पहली बात तो ये कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर, बल्कि चले खैर उसकी बात ही करते हैं। अब इसके बाद इस जब जाहिर है हम चलते हैं आगे की तरफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है ए क्रॉस इसको यू कर लेते हैं बी प्लस सी, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है और फिर उसके साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट है एक और वेक्टर का, तो क्या होगा ए क्रॉस बी प्लस क्या ए क्रॉस सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव ये होती है लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है अच्छा, और इसके अलावा क्या है इसके एप्लीकेशन, क्या है एप्लीकेशन, वेक्टर अगर आ जाए हमारे पास क्या कहा जाए फाइंड अ वेक्टर, क्या फाइंड अ वेक्टर जनाब परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो हम क्या करेंगे देन हम क्या मालूम करेंगे, बल्कि इसको लिख देता हूँ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, वो वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा ए क्रॉस बी होगा, क्योंकि वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा मैग्नीट्यूड जो भी हो। और अगर यही वेक्टर का बोले यूनिट वेक्टर मालूम करो तो फिर क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर क्या करने जा रहे हैं हम, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो फिर क्या होगा बेटा ये इसको यू कैप से डिनोट करते थे ना, क्या होता था ये ए क्रॉस बी निकाले और उस ए क्रॉस बी को उस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दे। अच्छा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स भी निकल सकता है क्रॉस प्रोडक्ट से, कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट तो फॉर्मूला याद है मैग्नीट्यूड का, सिंस ए क्रॉस बी बराबर होता है किसके मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साथ में साइन। ठीक है साइन थीटा लिखते हैं या ए बी लिखते हैं ए और बी के दरमियान का, अब अगर साइन ए बी निकालना तो क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा साइन ए बी बराबर आएगा किसके, साइन ए बी बराबर आएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए इनटू बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही है बिल्कुल, और फिर साइन वहां जाके क्या बन जाएगा साइन इनवर्स, और अगर वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू निकलेगी पहले किस तरीके से, वो डिटरमिनेंट जो बनवाया था आईजेके वाला, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा यानी जो भी आंसर आए उसके एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट के स्क्वायर्स का सम जेड कंपोनेंट के और नीचे इन दोनों के, यानी इनकी वैल्यू निकालना तो कोई मसला नहीं है। ठीक है ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप, ये हो गया आपके पास एक और इसकी एप्लीकेशन या इसका काम, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना हो तो भी क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई होती है, क्योंकि एरिया स्केलर नहीं होता, एरिया वेक्टर वॉल्यूम स्केलर होता है, एरिया क्या होता है एरिया की हमेशा डायरेक्शन होती है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन का आप एरिया मालूम करेंगे, यानी अगर मैं बोर्ड का एरिया मालूम करूंगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो होगा लेकिन वो परपेंडिकुलर किसके होगा हमेशा इस प्लेन के, एरिया वेक्टर होता है। ठीक है ये सारी इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है, फिलहाल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये। ठीक है तो क्रॉस प्रोडक्ट आपने देख ली, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देख ली है इसकी, प्रॉपर्टीज तो सिर्फ दो ही डिस्कस किए मैंने काफी है, और इसकी एप्लीकेशन ये सवाल तो खास तौर पे सब्जेक्टिव में भी आता है जहां डायरेक्टली नहीं बोला जाता कि क्रॉस प्रोडक्ट निकाले बल्कि इस तरह बोला जाता है कि फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी या फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, ये तो खैर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फाइंड, ये मैं एमसीक्यू की एप्टीट्यूड की बात नहीं कर रहा सब्जेक्टिव की, बहुत ज्यादा एक ये बहुत ज्यादा और एक वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोग्राम वो भी बहुत ज्यादा। ठीक है तो ये हो गया हमारे पास क्या भला वेक्टर प्रोडक्ट खत्म। अब वेक्टर प्रोडक्ट के बाद एक और चीज जो हमने देखनी है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट है यानी डॉट प्रोडक्ट है और ट्रिपल प्रोडक्ट है, ट्रिपल का मतलब दो वेक्टर नहीं बल्कि ये क्या होती है
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे आपके पास तीन वेक्टर्स होंगे ए बी और सी, और आपने इनका जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला है। मिसाल के तौर पे ए बराबर है आपके पास किसके एक्स वन आई वाई वन जे प्लस जेड वन टी, वेक्टर बी बराबर है आपके पास एक्स टू आई वाई टू जे और जेड टू के, और सी बराबर है आपके पास किसके एक्स थ्री आई वाई थ्री जे और जेड थ्री के। करना क्या है, करना ये कि हमने इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्यों होगा, ये कि दो वेक्टर्स मतलब ए के साथ दिया डॉट और बी के साथ और सी के साथ दिया क्या क्रॉस। अब आप कहेंगे ये क्यों किया ऐसा, तो क्यों किया, अगर मैं यहाँ भी डॉट ले लेता मतलब स्केलर का मतलब तीनों डॉट अगर मैं देता तो ये तो वेक्टर आता ही ना, अगर मैं इन दोनों का भी डॉट ले लेता तो स्केलर आता, और जब स्केलर किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता तो वेक्टर ही आ जाता, स्केलर ना आता और उसमें वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन भी ना होती, बल्कि क्या होता वो नंबर जो भी है जो स्केलर इसके आ रहा है इसकी जगह वो इसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता बस, फिर कोई प्रोडक्ट का ना होती ना फिर सही। तो इसी वजह से दो वेक्टर्स को वेक्टर ही रखना है, इस वजह से इनका क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको इस तरह भी लिखा जाता है किस तरीके से वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। तो समझ जाना है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही आसान है इसका फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है एक्स वन वाई वन और जेड वन, दूसरी रो में एक्स टू वाई टू और जेड टू, और तीसरी रो में एक्स थ्री वाई थ्री और जेड थ्री, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्रॉस को ऐसे ए क्रॉस सी डॉट प्रोडक्ट बी कर दे या आगे पीछे आप कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि अगर मैं सी क्रॉस बी कर दूंगा तो इट विल रिमेन स्टिल अ वेक्टर, क्या ख्याल है, और फिर अगर मैं ए को यहाँ ले जाऊं तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विल बी अ वेक्टर इन एनी केस, चाहे वो ए सी हो चाहे बी क्रॉस सी हो चाहे सी क्रॉस ए हो या ए क्रॉस बी हो, ठीक है। और फिर जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा दूसरे वेक्टर के साथ तो स्केलर आएगा, चाहे मैं आगे पीछे कर दूं। और मैं आपको बताऊं फर्क क्यों नहीं पड़ता, मैंने यहाँ गलती की, मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स बना दिया, सॉरी फॉर दैट, इसकी वजह से बना दिया मैंने, ये होता है डिटरमिनेंट ऑब्वियसली ताकि एक वैल्यू आए, और आप जानते हैं कि अगर डिटरमिनेंट में मेरी बात और सुना दो रोज आगे पीछे हो जाएगी, दो रोज एक वेक्टर जो एक्स वन वाई वन था नीचे चला गया वो ऊपर आ गया। आपको पता है ना क्या होता है डिटरमिनेंट में, जब दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज होते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, वैल्यू चेंज नहीं होती, क्या होता है, ठीक है, तो डायरेक्शन की तो हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, एक बात। और क्यों फर्क नहीं पड़ेगा मैं भी बता भी देता हूँ आपको, क्योंकि जो इसकी एप्लीकेशन हमारे पास है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं, एंड वॉल्यूम इज अगेन एक ऐसा स्केलर है जो नेगेटिव नहीं हो सकता, वॉल्यूम एरिया भी एरिया भी चलो फिर ठीक है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्योमेट्री के लिए फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन हमारे पास जो हमारी एप्लीकेशन है लिमिटेड उसमें इस पे कोई फर्क सीक्वेंस आगे पीछे करने से नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाएं गलती से आप क्या करें, आप बोले x1 y1 z1 रो में था या कॉलम में था, तो आप लोग कॉलम में लिख दिए x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, ये भी फर्स्ट ईयर की प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज ले लें, वैसे ट्रांसपोज तो मैट्रिक्स का होता है लेकिन वही काम जो ट्रांसपोज पे करते थे वही काम अगर डिटरमिनेंट पे करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ये बात। अब इस तरीके से इसकी एप्लीकेशन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एप्लीकेशन क्या एप्लीकेशन है, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से आप लोग सब फेमिलियर है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी पैरेललोग्राम क्या फर्क है दोनों चीजों में,
ये भी पैरेललोग्राम होता है, लेकिन फर्क क्या होता है, सर ये 3D होता है, यानी पैरेललोग्राम की हमारे पास तो दो ही डायरेक्शंस होती थी, दो ही साइड होते थे, ऑपोजिट दो पेयर होते थे साइड। अब ये क्यूब होता है, क्यूब 3D ऑब्जेक्ट है क्यूब, तो ये पैरेललोग्राम एक मतलब कि क्यूबिकल पैरेलल क्यूब के लिए बोलूंगा, क्यूब की सारी साइड बराबर होगी, तो 3D पैरेललोग्राम इस तरह रेक्टेंगुलर रिजर्वॉयर 3 डायमेंशनल हो सकता है। तो अब ये पैरेललोग्राम है 3 डायमेंशनल अगर हो जाए, यानी एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट जिसके ऑपोजिट साइड्स नहीं, ऑपोजिट सरफेसेस पैरेलल, एक ऐसा और बराबर, ऑपोजिट सरफेसेस पैरेलल और बराबर हो, तो अब ये जो 3D ऑब्जेक्ट आएगा ये क्या कहलाएगा, पैरेललोपिपेड। ठीक है, मैं बना देता हूं ताकि थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो आपको, जब बनाऊं तो हंसिएगा मत प्लीज। ठीक है जी, तो ये पैरेललोपिपेड जो है हमारे पास ये क्या होता है बेटा, देखिए जी पैरेललोग्राम बनाइए आप, जैसे आप बनाया करते हैं उसी तरीके से। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल रहनी है, मिसाल के तौर पे एक ये साइड और वैसी जैसी ये साइड बन रही है, इसी के पैरेलल मैं ये साइड बनाऊंगा। ठीक है, इस तरह से, और इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि ये भी पैरेलल आए। ठीक है जी, और फिर ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, और ये वाला जो है इसके पैरेलल होगी। इस तरीके से अब ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट आया है 3D ऑब्जेक्ट, ये पैरेललोग्राम नहीं है बल्कि ये पैरेललोपिपेड है, और आपको पता है कि इसके वो सरफेसेस जो सामने की तरफ नहीं होते हैं, ऑब्वियसली पीछे की तरफ होते हैं, इसलिए उनको इस तरह से बना दिया जाता है। तो ये एक पैरेललोपिपेड है। अच्छा, अब इस पैरेललोपिपेड में ये एबीसी क्या है, मैं जो बताना चाह रहा था एबीसी क्यों, ये एबीसी क्या होते हैं, कोटर्मिनस वेक्टर्स या साइंस। अब आप कहेंगे देखें सरफेस कितने हैं यहां पे, नीचे वाली सामने वाली नीचे वाली ऊपर, छह सरफेस है। साइड्स कितनी है, साइड्स बहुत सारी है, 1 2 3 4, ये चारों एक जैसी, 1 2 3 4, ये चारों एक जैसी, 1 2 3 4, 12 साइड्स हो गई। अब 12 साइड्स है यानी 12 वेक्टरों से मिलके बना है ये, बिल्कुल सही बात है, 12 वेक्टर्स इसको बना रहे हैं, मेरे लिए तो हर लाइन वेक्टर है। ठीक है, तो 12 वेक्टर्स है, और आपको यहाँ पे पता है सिर्फ, हाँ सही है, 3 की जरूरत है बस, वजह आप खुद ही तो बोल रहे हैं पैरेललोपिपेड, तो और पैरेललोग्राम पैरेललोपिपेड ऑपोजिट सरफेसेस बराबर है, जिसका मतलब ये कि अगर ये साइड वेक्टर ए है, अगर ये साइड वेक्टर ए है, तो फिर ये साइड भी, जितने भी हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं वो सब के सब क्या होंगी, फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया था, इसी को ऊपर ले गए, इसी को पीछे ले गए, इसी को नीचे ले गए, सेम मैग्नीट्यूड रहा क्योंकि पैरेललोग्राम था, पैरेललोपिपेड था, बस सिर्फ और सिर्फ आगे पीछे किया है इसको, तो एक ही वेक्टर को ऊपर नीचे करना, इट्स नॉट अ बिग डील, मैग्नीट्यूड भी हुई है, डायरेक्शन भी हुई है, तो मसला क्या है। ठीक है, और फिर इसी तरीके से ये वाला वेक्टर है, तो अगर ये वाला वेक्टर मिसाल के तौर पे ये वेक्टर है, वो वेक्टर कोई भी वेक्टर, मिसाल के तौर पे ये वेक्टर बी है, और अगर ये वेक्टर भी है तो ये भी बी है, ये भी बी है, और ये भी वेक्टर बी है, क्या ख्याल है आपका, इसीलिए कह रहा हूं कोटर्मिनस 3 वेक्टर बतवाने चाहिए बस, और फिर आखिरी वेक्टर इसको क्या बोल दूं मैं, वेक्टर सी, तो अगर ये सी है तो ये वेक्टर भी सी, वो भी सी, और ये पीछे वाला भी सी, क्या ख्याल है आपका इस बारे में, क्या 12 की 12 बतवाना जरूरी है, नहीं, सिर्फ एक टर्मिनल के तीनों वर्ड वेक्टर बताओ, कोटर्मिनस यानी कोलिनियर शेयरिंग या हैविंग सेम लाइन या लाइन ऑन द सेम लाइन, तो कोटर्मिनस यानी के हैविंग वन कॉमन टर्मिनल, एक ही कॉमन टर्मिनल हो तीनों का, तो कोटर्मिनस वेक्टर्स 3 बताओ बस। तो अब मैं आपसे कहूं कि यही एबीसी क्या है, ये इसकी एप्लीकेशन की बात हो रही थी ना हमारे पास, तो मैं आपसे कहूं कि अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर क्या, आर 3 क्या बेटा, कोटर्मिनस साइड्स, ठीक है, कोटर्मिनस वेक्टर्स फॉर्मिंग क्या, फॉर्मिंग अ जी पैरेललोपिपेड,
यानी एबीसी तीन कोटर्मिनल्स वेक्टर्स हैं जो आप क्या बना रहे हैं, एक पैरेललोपिपेड बना रहे हैं, देन इट्स वॉल्यूम पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इट्स वॉल्यूम विल बी, इट्स वॉल्यूम विल बी बी से स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आप कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल बी तो स्पीड के लिए डिनोट किया जाता है, क्या होता है इन तीनों वेक्टर्स का क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये जो इसका आंसर आएगा ये क्या होगा, इन तीनों वेक्टर से बनने वाले पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम, इसीलिए बोला था फर्क नहीं, क्योंकि वॉल्यूम आगे पीछे करते हुए फर्क ही पड़ता है, मतलब नाम दे रहे हैं, नाम दे दें, इसको सी बोल दे तो वो चारों सी हो जाएंगे, इसको बी बोल दे तो ये चारों सी हो जाए बी हो जाएंगे, फिर फर्क नहीं पड़ता वॉल्यूम होते हैं, ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, और इसके अलावा अगली बात क्या की जाए, जो हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, और वो ये बात है, कौन सी बात, पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम आपको पता चल गया, अब मैं बात करूंगा किसकी, वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रल शेप होती है, अगर वो पूरा टेट्राहेड्रॉन बन रहा है तो उसका वॉल्यूम कैसे मिलेगा, उसका वॉल्यूम मिलेगा इस तरीके से, सेम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बस सिर्फ एक काम कीजिए, कौन सा काम, इसके साथ क्या लगा दें, 1.6 डेरिवेशन वगैरह छोड़ दें, आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका इवन कोई क्वेश्चन भी नहीं आपके पास, बस ठीक है, तो ये चीज है जो हमें पता होनी थी, पता है, ठीक है, अब कोई बात रह गई होगी, रह तो नहीं गई, वैसे तो सब कुछ डिस्कस हो गया, लेकिन अगर कुछ रह गया तो वो शीट में सामने आ जाए, सब एक एक करके बात करेंगे। क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके, और जो लोग ऑनलाइन है तो पीडीएफ पे शेयर करना, देखना शुरू कर दीजिए आप, राइट, क्वेश्चन मान क्या आंसर है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन सही, क्वेश्चन टू ठीक, क्वेश्चन थ्री बी, फोर मैग्नीट्यूड ये हो सकता है, बट हमेशा दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे क्या जरूरी है, हमेशा दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे क्या हमेशा राइट ट्राइंगल बनेगा, इस बात की कोई गारंटी है नहीं, कोई गारंटी नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हर दफा क्या पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, मेरे हिसाब से तो नन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो हर दफा आपको मैग्नीट्यूड दे दे, ठीक है, तो और फिर अगर 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 पाइथागोरस थ्योरम भी मैं लगाता हूँ तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा ना कि मैग्नीट्यूड मिलेगा, वेक्टर मिलेगा अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ,
अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, हां लाइक मिलती है, अगर लाइक मिलती है वो भी राइट ट्रायंगल है, इसका आंसर क्या है? इसका मतलब मैं ट्रायंगल लॉ की तरफ जा रहा था, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो यस, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। यस डी ना, वो और रीजन वही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि हर दफा दोनों परपेंडिकुलर है जरूरी नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाइए जरा, पोजीशन वेक्टर सही है ना, 6 कैसे जी के माइनस क्रॉस है तो आपको पता है कि क्या बनेगा, ये आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे बनेगा वेक्टर भी तो आता है साथ के, और जे क्रॉस के क्या बनेगा माइनस आई, और फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, डॉट प्रोडक्ट। अरे भाई वेक्टर जीरो क्यों बनेगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा, नहीं जे क्रॉस के, हाँ जे क्रॉस के, देखिए जे क्रॉस के तो बिल्कुल सही बात है कि बाय जेड की बात करें तो पॉजिटिव आई आएगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगर माइनस भी आ जाता तो वो जो आपने काम करना है वो तो एंगल पे डिपेंड करता है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, cos cos आता है ना डॉट प्रोडक्ट में, ए बी cos थीटा। ठीक है, 7 डॉट प्रोडक्ट कैसे, 2 6 जा 12 माइनस 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यस। तो उसके बाद आंसर निकाल लीजिए, क्या आंसर आ रहा है बेटा, 8 पे आ जाइए। xz plane में j नहीं होगा, अगर पॉइंट की सूरत में लिखूं तो बताया था ना x, 0, z, तो इसका मतलब कौन सा है फिर, ठीक है x और z मौजूद है, y मौजूद या j कैप मौजूद नहीं है। 9 पे आ जाइए, 2u plus 3v, 2 को v को पहले 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, u को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, और जैसे कि मैंने बताया तो उसी तरह काम करते हैं। कौन सा काम वाला, कौन सा काम, i वाली टर्म के साथ, j वाली टर्म के साथ, और k वाली टर्म के साथ, और आंसर बता दें क्या है, c आ रहा है आंसर, चेक कर लिया। चेक कर लें सही से, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9, v बराबर है 2i plus 3j, तो इस हिसाब से 2v नहीं 3v किसके बराबर होगा, 3v बराबर होगा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये तो ये बनेगा 6i plus 9j। इसी तरह u की वैल्यू लिख लीजिए बेटा, i minus 5j, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2u हमें चाहिए, तो बताना जरा क्या बनेगा, ये बनेगा 2i और अब क्या करें, इनको प्लस करवा दें, तो 6 और 2 क्या बना, 9 माइनस 10 क्या बना, डी ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ, ये एक्स वाई जेड क्या क्या लाते हैं भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी कहलाते हैं और डायरेक्शन रेशियोज भी कहलाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है ये हर दफा यही डायरेक्शन रेशियोज हो, 10 है ना ये, यस कार्टेशियन, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आमतौर पे हम इसको डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, लेकिन हमेशा यही डायरेक्शन रेशियोज जो रेशियो लिख के भी दिखाया था,
ये अगर रेशो 1 अपॉन 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हमेशा ऊपर वाला और नीचे 2 हो। 8 अपॉन 16 का रेशो भी 1 अपॉन 2 आ रहा है। तो प्रोपोर्शनल जो नंबर होते हैं जो चीज कॉमन होती है तो वैसे ही कैंसिल हो जाती है। तो आपको क्या पता कि अगर रेशो ये आ रहा है तो नंबर भी वही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद a plus b a minus b के बराबर है, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड लगा हो तो इससे क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है, a plus b करवाया उसके बाद हुआ क्या कि a minus b करवाया तो आंसर सेम आया, मैग्नीट्यूड सेम आया। ऐसा कब होगा बताएं जी, ऑप्शंस चेक कीजिए और बताइए कि a और b पैरेलल हैं एक दूसरे के, पैरेलल होंगे तो क्या होगा? नहीं यहाँ पे कोई क्रॉस प्रोडक्ट की तो बात हो ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, इनके सिर्फ रिजल्टेंट a plus b और a minus b। ठीक है आगे चलें, परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर होंगे तो फिर वो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा? ये वेक्टर a, ये वेक्टर b है मिसाल के तौर पे। ठीक है आपने a plus b कर लिया, ये आया a plus b आया, मैग्नीट्यूड की बात करनी है, मैग्नीट्यूड ही आ रहा है सर। a minus b की बात करते हैं, a minus b में क्या होगा, a ऐसे ही रहेगा b भी वैसे ही रहेगा, minus b का मतलब ये है कि नेगेटिव हो गया, डायरेक्शन चेंज, रिजल्टेंट अभी भी उतना ही आएगा, क्यों? इसलिए अभी परपेंडिकुलर रिजल्टेंट अभी भी डायरेक्शन चेंज हुई ना, मतलब होगा क्या, जाहिर है आपको पता है हेड टेल, आप इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे तो जब दो साइड सेम रहेगी तीसरी साइड भी सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। हाँ डायरेक्शन की बात करेंगे ऑब्वियस की फर्क पड़ेगा, जब बी में फर्क पड़ा है तो अगर ये मैग्नीट्यूड ना होता तो यस बिल्कुल फर्क पड़ता, ऑब्वियसली फर्क पड़ता, लेकिन क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है इसीलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता है ना दो वेक्टर्स का जब माइनस करवाते हैं तो इसी तरह ज्योमेट्रिकली माइनस करवाते हैं आप लोग, आपको माइनस करवाना आते ही नहीं है, आप लोग इस तरह माइनस करवाते हैं, यानी आप इसको यूं कर लेना बी को उठा के आप नीचे ले गए फ्री वेक्टर के हिसाब से, अगर आपको ये बात इस तरह से समझ नहीं हो रही तो यूं कह कि बी को उठा के मैं नीचे ले जाऊंगा, नेगेटिव वेक्टर है ना, पहले मैंने निकाला माइनस बी ये रहा और पहले का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइन होगा, सही है, ये रहा ए ये रहा माइनस बी, ये बी नहीं है माइनस बी है, जितना बी ऊपर था माइनस बी उतना ही नीचे है। ठीक है ये तो सेम रहेगा, हाँ वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट आई है इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन वेक्टर पूछ कौन रहा है, मैग्नीट्यूड लगा हुआ है यहाँ पे, सेम आएगा। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये 9 था, वो कौन सा क्वेश्चन है, 10 है 11 है, चलो आगे 12 पे आ जाओ, वेक्टर पीक्यू का तरीका बताया था, दो पॉइंट्स दिए हुए हो तो पोजीशन वेक्टर के हिसाब से उसी तरीके से तो क्या बनता था बेटा, 12 बनेगा पी दिया हुआ है 2, 1, minus 3, Q दिया हुआ है, minus 1, 2 और 4, मैंने क्या निकालना है, PQ, तो PQ बनेगा किस तरह से, X2 minus X1, minus 1, minus 2, 2, minus 1, Y2 minus Y1, और 4, minus minus, plus 3, आंसर निकाल लो और इसको IJ के फॉर्म में लिख लो, तो बनेगा minus 3I, plus 1J, क्या ख्याल है, और ये क्या बनेगा, plus 7k, है कोई ऑप्शन? ठीक है जी, यूनिट वेक्टर i j k आर रिस्पेक्टिवली पॉइंट्स की सूरत में, जनाब i का मतलब 100, j का मतलब 010 और k का मतलब सबको अलग अलग लिखे हैं तो ऐसे ही, और यूनिट वेक्टर है तो ऑब्वियसली 1 है, x नहीं x 00 नहीं है 100, ठीक है 14 जनाब, ये वेक्टर v एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड w, ये बिल्कुल ये वाली बात है जिस तरह इसको ऐड करवा के आंसर आया था, मतलब नॉर्मली लीनियर नॉर्मल अलजेब्रा से आपने ऐड करवा दिया था इसको, तो उसी तरह बताएं कि v किस तरह से इन टर्म्स ऑफ u एंड w एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो इसका जवाब क्या मिलेगा, इसका जवाब ये मिलेगा कि आप ये दोनों वैल्यूज u और v की उठाएं और चारों ऑप्शन में पुट करें, जो ऑप्शन सेट मैं u और v नहीं कह रहा, u और w पुट करें, और u और w पुट करने से जो भी आंसर v के बराबर आ जाए वो सही, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए बेसिकली, और मेरा ख्याल है कि -6 और +9 +3 होता है,
और 8 और माइनस 13 कितना होता है? माइनस 5 होता है, 7 तो नहीं होता, 8 और माइनस 13, तो ये C हो नहीं रही पूरी तरह। तो कोई और इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देख लीजिए कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 3W और V को प्लस करवा के देख लीजिए, 3W का मतलब है 27 और 3 बना 30 और 4, ये तो हो ही सकती। इसी तरह B को करवा के देख रहे हैं, 4U plus 3W, 4U का मतलब है minus 24 और 3W, मैं सिर्फ X कोऑर्डिनेट पहले चेक कर रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा minus 24 और ये बनेगा 27, तो minus 24 और 27 plus 3 होता है, चलो X कोऑर्डिनेट सही आ गया। अब जरा Y कोऑर्डिनेट चेक करते हैं, 4 8 32 और ये बन गया 3 13 सा कितना minus 39, तो 32 और 39 कितना बना minus 7, बस सही है। B option is the right option, चेक भी कर लें, मैंने तो ऐसे ही चेक किया खुद डायरेक्ट पुट कर करके, आई मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, चेक कर लिया अच्छे से आए, जरा देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह मैंने करवाया जब रिवाइज कर रहे हो आप लोग, वरना इसमें कोई ऐसा मसला होना नहीं चाहिए। B दिया हुआ है कितना 3 minus 7 और U दिया हुआ है कितना, U दिया हुआ है minus 6 और 8 और इसके अलावा आपको W दिया हुआ है बेटा कितना, W दिया हुआ है आपको 9 और minus 13। अब मैंने B option से काम इसलिए चलाया क्योंकि इस तरफ लिखा हुआ है B 3 minus 7 और उस तरफ लिखा है 4W, तो 4U sorry minus 6 और 8 और plus 3W था, यानी 9 और minus 13, जरा बताइए क्या बनेगा, ये बनेगा minus 24 और 32, ये बनेगा plus के बाद 27 और minus 39। आप चाहें तो IJ के फॉर्म में लिख सकते हैं, K नहीं है यहाँ पे, IJ के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, बस आंसर निकालना है हमने, तो स्टेप थोड़ी कोई चेक कर रहा है, तो आंसर क्या बना है इसका, which implies that यहाँ 3 और minus 7 था और वहां पे आंसर क्या बचा minus 24 और 27, ठीक है, और 32 में प्लस माइनस माइनस 39 हुआ, तो आंसर किसके बराबर आया, आंसर एग्जैक्टली बराबर आया किसके, ये बना 3 और ये बना माइनस 7 व्हिच इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी, तो इसने सेटिस्फाई करवा दिया। सो इस वजह से हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन ही सही है, जहां लिखा था कि बी बराबर है किसके 4u प्लस 3w। आगे चलते हैं भाई, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, निकालो अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सबके मैग्नीट्यूड सबके कोएफिशिएंट 1, ठीक है, 16 क्या होगा इसमें, a दिया हुआ है j के बराबर, ये 16 a दिया हुआ है आपको किसके बराबर, j के बराबर, जिसका मतलब है दिया हुआ आपको 0 1 और 0, क्या ख्याल है आपका, अच्छा b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है आपको माइनस आयोटा और 2j, यानी माइनस 1 2 और 0, और c कितना दिया हुआ है बेटा 3k माइनस i माइनस j, तो बनेगा माइनस 1 और 3, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड बराबर होता है a b और c, चलो बताओ क्या बनेगा, डायरेक्ट करूं इसे 0 1, मतलब ये फार्मूला लगाऊं फिर वैल्यू पुट करूं या डायरेक्ट कर दूं, तो मसला तो नहीं है इसमें, तो बताओ क्या बनेगा 0 1 0 minus 1 2 0 minus 1 minus 1 और 3, पहली रो के लिहाज से एक्सपेंड करवा दो बेटा, ये बना 0 छोड़ दो, ये बना क्या minus 1 और इसके साथ क्या आया, इसके साथ आया minus 1 minus 1 0 और 3, ठीक है, और अगला वाला 0 बन गया, बताओ आंसर क्या बना इसका minus 3, minus minus क्या बना plus 3, ठीक है, तो ये 3 by 3 का डिटरमिनेंट है, कहां पर है ऑप्शन कौन सा इसका, ठीक है, हाँ भाई कौन सा रिलेशन ट्रू है बताओ जल्दी से, a1 के साथ i आ जाएगा, a2 के साथ j आ जाएगा, a3 के साथ k आ जाएगा, तो फिर फर्क क्या, अच्छा b में जो एक b के साथ माइनस है और c में स्क्वायर्स हैं, तो जाहिर है a ही सही है,
18th. कुछ समझ आया क्या लिखा हुआ है? क्या है इसमें मामला? 18. क्या है 18 में? डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स की बात की जा रही है. तो डॉट प्रोडक्ट निकालना जरा. इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 18 का डॉट प्रोडक्ट ये आएगा कि मेरे पास वैसे ही स्केलर आएगा. क्या स्केलर आएगा? मैं चेक कर रहा हूं. 2 1s are 2, 3 1s are 3, minus 4. क्या मिल रहा है? कितना मिल रहा है? प्लस 1. ठीक है. अच्छा, ये आ गया इसका डॉट प्रोडक्ट. अब नीचे क्या आएगा? ए और बी का मैग्नीट्यूड. नीचे आएगा ए और बी का मैग्नीट्यूड. तो ये तो हो गया ए डॉट बी. अगर ए डॉट बी तो ए बी नहीं दिया भाई. क्या दिया? यू और बी दिया भाई. ठीक है, यू और बी का आ गया. अब एक काम करो, यू का मैग्नीट्यूड निकाल दो. यू का मैग्नीट्यूड क्या आएगा भाई? 4, 9 और 16. 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर. तो 4, 9 और 16 कितना बना? ये बना आपके पास 4 और 16, 20, 29 बन रहा है यार. ये तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. चलो, उसके बाद क्या है भाई? B कितना बना? ये बना 1, फिर ये बना 1 और फिर ये बना माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ये बना अंडर रूट 3. बना या नहीं? अब जरा वैल्यू पुट करना. सेंस कॉस ए, ए भी तो नहीं लिखना चाहिए, कॉस यू बी किसके बराबर आएगा? सर ये बराबर आएगा यू डॉट बी अपॉन यू बी. चलो बताओ, वैल्यू पुट करना जरा. 1 अपॉन 29 और 3. ए की स्क्वायर रूट के अंदर लिखे तो क्या बनेगा? ये 1 अपॉन कितना? 87. कितना बन रहा है बेटा ये? 87. तो यानी अगर मैं UV का एंगल निकालूं इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो आंसर आ रहा है 1 अपॉन क्या? रूट, बोलो ना बेटा. 1 अपॉन रूट क्या आ रहा है? क्या ये ऑप्शन मौजूद है? क्या कॉस में ये ऑप्शन मौजूद है? नहीं. तो उसके क्या मतलब हुआ? ये कॉस थोड़ी है. रुक जाओ, तुम सही कह रहे हो. रुक जाओ, बिल्कुल सही कह रहे हो. मैं जरा अप्रोच बता दूं बस कि क्या परसेप्शन, क्या किस तरह से हम इस तरफ इस तक पहुंचेंगे. अब या आपके पास दूसरा ऑप्शन है ऑब्वियसली कि आप डॉट प्रोडक्ट से ये आंसर आ रहा है सर. यानी इसका मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ कॉस एंगल की बात करें, इन टर्म्स ऑफ कॉस एंगल की बात करें, तो मैंने कहा कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट क्या? 87 ऑब्वियसली, जो कि ऑप्शन मौजूद नहीं है. तो फिर क्या करें? तो फिर एक काम करें, क्रॉस प्रोडक्ट से निकालें. अगर डॉट प्रोडक्ट से ऑप्शन मौजूद नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट, अब मैंने कहा आपके पास दो ऑप्शन है, या तो क्रॉस प्रोडक्ट फुल फ्लेज निकालें बैठ के, क्योंकि लंबा काम है. लंबा काम क्यों है? पहले वो आई जे के वाला वेक्टर बनाएं, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालें. हाँ, डिनोमिनेटर पता चल चुका है, तो या तो ये काम कर लें, या फिर इसका डिनोमिनेटर देखा क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 87. डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, क्या आ रहा है? रूट 87. तो जो साइन से निकालेंगे उसका भी डिनोमिनेटर क्या आएगा? क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में तो उसमें भी यही होता है. बोले होता है या नहीं? इसकी बात नहीं करता मैं, इसकी बात. बोले होता है या नहीं? हाँ, ऊपर वो एक अलग बात है कि ए क्रॉस बी का पहले आंसर निकालें और फिर, और अगर आप चाहें तो आंसर भी निकाल सकते हैं. यानी फुल वर्किंग करनी है, यस यू कैन डू इट. लेकिन इस वक्त जो मौजूदा ऑप्शंस हैं उसमें टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है. खुद ही पता चल रहा है कि विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सी, बिकॉज ऑफ द सेम डिनोमिनेटर. लेकिन न्यूमिनेटर वेरीफाई करना हो तो आप कर सकते हो. क्या कर सकते हो भाई? यू क्रॉस बी निकालना. सर क्या होगा यू क्रॉस बी? यू क्रॉस बी की वैल्यू होगी आई जे और के. बताना जरा क्या वैल्यू थी इसकी? 2, 3, 4 यही थी ना? मैंने कहा 2, 3, 4 और बी की वैल्यू क्या है? 3, -4 है वो, -1 ये. ठीक है, अब आई की वैल्यू बताना जरा. -3, -4 कितना बना? -7. सही है ना? J की वैल्यू बताना, माइनस J की, इनफैक्ट -2, -4, -6 जो कि +6 बन जाएगा. और K की वैल्यू 2, -3,
यानी के माइनस वन के, ये आ रहा है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, यू क्रॉस बी का क्या मैग्नीट्यूड आ रहा है, यार ये आ रहा है 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1। आंसर बताना क्या आ रहा है, 86, which is very good to see। क्यों? This is the answer। क्यों भाई? ऐसा है कि साइन इनवर्स AB वो जो लिखा है UB बराबर था किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ U क्रॉस B डिवाइडेड बाय U का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड। सो U और B का जो एंगल आ रहा है इट इज इक्वल टू, ऊपर आ रहा है 86 और नीचे आ रहा है रूट 87। ब्रेक अंडर रूट के अंदर लिख लो या साइन इनवर्स बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द आंसर। ठीक है जी, पूरी वर्किंग भी कर दी और मैंने पहले ही बता दिया था टाइम बचाना है, टाइम बच रहा था क्योंकि ऑप्शन इतने ऑब्वियस थे यहाँ पे कि डॉट प्रोडक्ट आसान वाला काम करने से पता चल गया। ठीक है, क्योंकि एंगल सेम है, कॉसिकल है, इसी कॉस की मदद से आप साइन इन टर्म्स ऑफ साइन को एक्सप्रेस कर सकते हो, आइडेंटिटी लगा के। ये आंसर आंसर एंगल तो सेम है ना, साइन कॉस अलग है तो क्या होगा। हां भाई, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ये कैसे, इन दोनों के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ टू द सम। ये अच्छी बात है, इन दोनों के पैरेलल नहीं लिखा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन दोनों के पैरेलल क्यों नहीं लिखा, हमें क्या पता है दोनों पैरेलल हैं, है ना, ऑब्वियसली नहीं है। तो इसका मतलब दोनों वेक्टर हमेशा पैरेलल मिले जरूरी थोड़ी, जैसे मैंने बोला था दोनों वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर मिले जरूरी थोड़ी है। तो क्या ख्याल है तुम सर, कह रहे हैं कि जब इसका सम आ जाए तो उस सम के पैरेलल, इस पैरेलल को अंडरलाइन करना, इस पैरेलल को अंडरलाइन करके इसके ऊपर लिखो अलोंग। और ये बात मैं बता चुका हूं कि यूनिट वेक्टर अलोंग अ वेक्टर मालूम करने का क्या तरीका है, कि पहले वो वेक्टर मालूम करें जिसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है और फिर उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दें। तो पहले आप क्या निकालोगे, मैं सिर्फ स्टेप्स के बता दूं आपको, कौन सा भैया आ गया 19 है, तो 19 में क्या है कि आप पहले निकालें कौन कौन से वेक्टर। अच्छा नाम इन्होंने कोई दिया नहीं है इसको, अब एक काम करें आप अज्यूम कर लें वेक्टर ए है i प्लस 2j प्लस 2k और b है क्या भाई 3 माइनस 2j माइनस 4k। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, सम निकाल रहा हूं, a प्लस b डायरेक्ट निकाल लें 4i और कोई मसला तो नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी के पैरेलल जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी बराबर होगा किसके, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय इट्स, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जल्दी से लिख देते हैं 4i माइनस 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर आएगा 16 और प्लस 4 यानी अंडर रूट 20, तो 4 के नीचे भी अंडर रूट 20 का मतलब पता है क्या होता है, 4 बाहर आके बनेगा 2 अंडर रूट 5 और ये बनेगा माइनस 2k, इसके नीचे भी 2 अंडर रूट 5। तो समझ आया आप लोगों को कैसे हुआ, फैक्टर बन गया ना 20 के 4 और 5, 4 बाहर आके 2 बन गया, कैंसिलेशन करवा दो क्या बचा 2 अपॉन अंडर रूट 5 i और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5 किसके साथ, ए के साथ। अब जैसे भी इन्होंने लिखा है देख लो, कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, आगे चलो 20, ये तो सबको पता है, तो फिजिक्स में भी कई दफा कर चुके हो एक्स है ना, पढ़ लो बेटा कर चुके हो ना, सेम मैग्नीट्यूड एंगल 120 रिजल्टेंट x होगा। ठीक है, अच्छा अब आओ जरा जल्दी से 21 में, a दिया हुआ है b दिया हुआ है a क्रॉस b दिया हुआ है, a डॉट b का मैग्नीट्यूड निकालना है भाई, ये कैसे होगा,
ए डॉट बी निकालना है यानी बेसिकली कैसे होगा, ऐसे होगा जो आपने बोला था साथ, मतलब रिलेशन इसमें यही है कि एंगल ही सेम है दोनों, तो दो ऑप्शन है कि आप क्या करो, आप पहले ये जो ए बी और ए क्रॉस बी की वैल्यू से एंगल निकाल लो, साइन थीटा निकाल लो, फिर उस साइन थीटा को बनाओ कॉस, और जब कॉस थीटा निकल आएगा तो ए डॉट बी का मतलब ए बी कॉस थीटा भी निकल आएगा, क्या ख्याल है आपको? ठीक है, तो ये तरीका होना चाहिए इसका, यानी क्या तरीका, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये मार्कर कहाँ रखे है मैंने, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग करें जरा अपने पास इसको, मैं भी कर रहा हूँ, अगर आप लोग खुद से कर सकते हैं करें। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग ज्यादातर लोग किसी पे सॉल्व कर रहे होते हैं, इस पे ना किया करें सॉल्व, अलग से कर लिया करें तो बेहतर है, उसकी वजह ये है कि जब सॉल्यूशन सामने होता है तो क्वेश्चन जब रिवीजन करना होगा इससे, तो जैसे उठाएंगे आप तो सामने आपको आंसर नजर आएगा, वर्किंग नजर आ जाएगी, तो रिवीजन का मकसद तो खत्म हो जाएगा, रिवीजन का मतलब ये होता है कि खुद से एक दफा करें, तो खुद से तो नहीं करेंगे, देख नजर आ जाएगा, तो जरा अगर अलग से कर ले तो बेहतर है, बाकी आपकी मर्जी, आप लोग लिख रहे हैं ये बहुत बड़ा आसान है, बाकी आपकी मर्जी। 21, तो 21 में ये क्या लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर है किसकेट में, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर है 5k, और दिया हुआ है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भला कितना 8, ऐसे ही है ठीक है। अच्छा अब मैं करूंगा इधर, देखो ऐसा है यार कि मेरे पास लिखा होता है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है किसके, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है किसके, ए बी साइन थीटा के, ए बी साइन थीटा के। अब मैं करूंगा क्या, ये ए बी यहाँ मल्टीप्लायर वहां जाके डिवाइड कर देगा तो साइन थीटा निकल आएगा मेरे पास, साइन थीटा की वैल्यू निकल आएगी मेरे पास, ए बी की वैल्यू कितनी है 8 और नीचे क्या है 2 और 5 कैंसिल हो रहा है, क्या बन रहा है 4/5, जो कि किसी भी सूरत स्टैंडर्ड वैल्यू तो नहीं, मैं इसको स्टैंडर्ड वैल्यू तो कह ही नहीं सकता ठीक है, तो अंडर रूट ले लो, ज्यादा ज्यादा यही हो सकता है, अंडर रूट नहीं ले लो स्क्वायर ले लो, क्यों ले लो स्क्वायर, इसलिए क्योंकि आपको चाहिए कॉस थीटा, आपको चाहिए ए बी, ए बी का मतलब ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा चाहिए, थीटा मैं नहीं निकाल रहा हूँ, और रीजन आपको पता है साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं है पता नहीं, आप कौन सा टेस्ट दे रहे हैं आपको नहीं पता, तो किस तरह करेंगे काम वो जो मुझे बताया सर, उस तरीके से, किस तरीके से सर, कॉस चाहिए तो साइन को तो कॉस बनाया जा सकता है, और अगर कोई कंफ्यूजन आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, तो नीचे वाला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ नीचे, ए बी कॉस थीटा सब लोग जानते हैं क्या होता है, ए बी कॉस थीटा सब जानते हैं क्या होता है, ए डॉट बी, तो ये एट, ये जो ब्रैकेट में लिखा है दूसरे वाले ब्रैकेट में, ये क्या है, ये क्या है ए डॉट बी ठीक है। अब आप बताओ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा, और इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है शायद, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो ये बन जाएगा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर। अब ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, बोले है या नहीं, रिलेशन पता चला है इसका, बोलो बेटा, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन 22 भी करा दिया यहाँ पे, और मैं इसको अब इस क्वेश्चन के लिए अगर इस्तेमाल करूं, मैं ये बात सही हूँ पूरी वर्किंग करूंगा जो मैं भी कर भी रहा हूँ, लेकिन मैं अगर आपको एक एक्स्ट्रा बात बता दूं अगर आपके जहन में है तो, क्या आप इसको क्या लिख सकते हो सर, हम इसको लिख सकते हैं a डॉट b का क्या स्क्वायर, a डॉट b का क्या, अब आप कहेंगे सर मैग्नीट्यूड क्यों नहीं बनाया, मैग्नीट्यूड बनाने की जरूरत क्या डॉट प्रोडक्ट पे, तो होता ही मैग्नीट्यूड है वो, तो होता ही स्केलर है ठीक है, तो ये इस तरह से काम होगा, बोले हो गया या नहीं, समझ आया आपको, अब जरा इस चीज को यहाँ पर अप्लाई करें, या तो इसको इस जैसा बना दें, ये काम कर लें, साइन की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू मतलब ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर होता है, होता है या नहीं होता, मतलब ये रिलेशन बना, रिलेशन बना ये, रिलेशन बना ये, अब आपको यहाँ पे क्या क्या पता है सर, ए बी पता है, ये पता है, तो ये वहां जाएगा वो वहां जाएगा, आंसर आ जाएगा,
आ जाएगा या नहीं। और अगर आप ये रिलेशन यूज नहीं करना चाहते, पूरी वर्किंग करना चाहते हो, तो वो तो मैं कर ही रहा हूँ फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। क्या सर जरा साइन स्क्वायर निकाले ताकि साइन स्क्वायर आए तो बताओ क्या बनेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 16 अपॉन, अच्छा साइन स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बोले होता है या नहीं। अब ये माइनस वहां जाएगा, वो वहां जाके प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस 16 अपॉन 25 यानी के 9 अपॉन। ठीक हो गई ये बात। अब आप सोचे ना अगर मैं स्क्वायर रूट लेता कभी इस आंसर तक पहुंच सकता था, नहीं, क्योंकि मुझे एक ऐसा आंसर या तो एंगल ऐसा आता जो मुझे याद है 30 60 45 90 0, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से ये काम, ये वर्किंग जरूरी है इस तरीके से। और बोलो भाई ये आ गया कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, जहां से कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई, क्या वैल्यू आ गई कॉस थीटा की 3/5 आ गई। अच्छा प्लस माइनस आता है बाय द वे, प्लस माइनस क्यों नहीं हुई, नहीं जब किसने बोला, बोला यहाँ पे कुछ 90-80 का कुछ बोला है, सही बात है, लेकिन आप ये तो देख लो डॉट की बात कर रहे हो और इन सब में मैग्नीट्यूड्स का जिक्र है, तो नेगेटिव साइन तो वैसे ही निकलेक्ट करो, ठीक है। अच्छा अब ए बी कॉस थीटा सेंस ए डॉट बी बराबर होता है किसके सर, ए बी कॉस थीटा के। चलो वैल्यू पुट करो भाई, ए का मतलब क्या था 2, इसका मतलब था 5, ये क्या बना 3/5, कैंसिल हुआ 5, क्या आंसर आया है, ऑप्शन है ए ऑप्शन। तो दोनों आपके सामने 21 22 दोनों तरीके आपके सामने, और ये दूसरा मतलब रिलेशन बिटवीन क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट, मैंने इसको मॉडिफाई करता हूं, रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड्स, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट में रिलेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक में वेक्टर आता है एक में स्केलर आता है, बहुत फर्क है। तो मैग्नीट्यूड्स में क्या रिलेशन होता है पता होना चाहिए, यानी इस बात का जो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है, इस बात का रिजल्ट मैं उसको हाईलाइट कर लूं, क्या हाईलाइट कर लूं और इस पे ब्लॉक्स बना लूं कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, चाहो तो इस पे मैग्नीट्यूड बना दो आपकी मर्जी, क्योंकि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड बनाने ना बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वैसे ही स्केल है, ठीक है या नहीं, सही है। ये याद भी होना चाहिए, ये अब आपको याद भी होना चाहिए, ब्लॉक्स इसलिए बनवाना, ठीक है। जिस तरह वो था ना फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने काम किया हुआ है, क्या काम किया हुआ है फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में, फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में ये काम किया हुआ है हमने कि जब हमारे पास साइन दिया होता था तो हम सारे रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ साइन निकाल लेते थे, जब हमारे पास कॉस दिया होता था इसी तरह नहीं, सारे रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ सिंगल रेशियो एक्सप्रेस किया करते थे, तो बस कुछ ऐसे ही कर रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्रॉस या क्रॉस को प्रोडक्ट कर रहे हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। आगे चले जी। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे डिस्कस करना भूल गया कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ऐसा हो कि ये तीन या तीन में से दो कैसे हो, कोप्लेनर हो, कोलिनियर तो खैर बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कोप्लेनर हो, तीनों कोप्लेनर, दो नहीं दो तो कोप्लेनर हैं, तीनों कोप्लेनर हो, या तो दो कोलिनियर हो, इन तीन में से कोई से दो कोलिनियर हो, या तीनों कोप्लेनर हो, कोप्लेनर समझते हैं क्या मतलब है कोप्लेनर का, एक ही प्लेन का, तो क्या होगा, तो क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्या करें यार जगह नहीं छोड़ी, चलिए यही लिख देते हैं। अगर ऐसा हो कि ए बी और सी कैसे हो बेटा, कोप्लेनर, तो क्या होगा, देन इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या होगा बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, क्यों अगर ये एक ही प्लेन पर मौजूद है तो हो सकता है पैरेललोग्राम तो बना दें, हो सकता है, क्योंकि ये नहीं बोला पैरेलल है या नहीं, ये बोला है कोप्लेनर है, एक ही सतह पर मौजूद है, यानी थ्री डायमेंशंस में ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही प्लेन पर टू डायमेंशनली एक साथ है ये, तो अगर ऐसी बात है
तो ये 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं करेंगे, और जब ये 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो इसको मैं दूसरे अल्फाज में ये बोल सकता हूँ कि ये एक ये पैरेललोग्राम बनाएंगे नहीं, या यूं कह लेंगे एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाएंगे जिसका वॉल्यूम जीरो होगा, यानी होगा ही नहीं, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। और इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि अगर कोई से दो क्या हो जाए एक ही लाइन पे मौजूद हो जाए तो फिर तो तीन वेक्टर होंगे ही नहीं, फिर तो तीन वेक्टर होंगे ही नहीं, दो होंगे, और जब दो होंगे तो भी यही बात होगी पैरेललोग्राम बनेगा ही नहीं। और अगर इनमें से कोई दो परपेंडिकुलर हो जाए, अगर इनमें से कोई दो परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा, कोई दो क्यूब बनेगा, यस, तो फिर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो जाए, तो आप क्यों कह सकते हो रेक्टेंगल या 90 डिग्री बन रहा है अगर, तो फिर ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। ए बी सी में से कोई से दो परपेंडिकुलर हो जाए तो फिर आंसर क्या आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ठीक है। खैर आप जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लें यार, जल्दी जल्दी कितना रहेगा, क्लास का टाइम खत्म हो गया, कितने डिस्कस हो गए अभी, चले फिर बाकी बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, 22 तक हो गए, मैं इसकी पिक्चर शेयर करवाऊंगा, अभी क्लास है कोई, नमाज का ब्रेक है, अभी केमिस्ट्री है।